रेडियो सेंट्रल के साथ गांव के विकास के बारे में तीव्र गति से सोचना चाहिए और पंचायती चुनाव में इनको दबना नहीं चाहिए। अगर नहीं दबना किससे मतलब दबाना की दबना 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 मतलब दबाना नहीं है दबना दबना मतलब प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अच्छा प्रेशर में नहीं, मैं दबना दूसरा दबना समझ दबना गलत समझ रहे आप थोड़ा वो वाला युवा ना दबना मतलब वेलकम टू न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइज क्या हाल चाल आप सभी का, आई होप कि आप सब चकाचक होंगे। तो गाइज आज है हम शॉप के अंदर और बाहर बैठे हुए दोस्त थोड़ा सी मस्ती वाला व्लॉग बनाते हैं आप सभी के बीच में और बहुत ही शानदार ये व्लॉग होने वाला है क्योंकि आज बहुत ही शानदार टॉपिक लिया। वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखेंगे तभी आपको मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुभम जी मतलब आप आगामी तैयारी कर रहे हैं सरपंच की, तो क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी गाँव में थोड़ा हमें अवगत करवाएं। और ये शिव जी इनके पीए साहब और अंकित जी सलाहकार है ये, और ये शिव जी थोड़ा ये बिग मैनेजमेंट सलाहकार, तो और ये सरपंच प्रत्याशी रहेंगे अगली बार। तो सर क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी गाचोला में? सर हमने अगर हम थोड़ा तेज बोलिए सर, सरपंच बन गए हाँ, तो गांव को सबसे पहले इसको स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट विलेज बनाएंगे। हाँ स्मार्ट विलेज में सब जगह जो भी पब्लिक विलेज है वहाँ पर हाईटेक टेक्नोलॉजी की सारी सुविधा होगी, टेक्नोलॉजी से संबंधित मतलब जैसे फ्री वाईफाई हो गया, साफ सुविधा वाले साफ सुविधा। ये सर ये क्या क्या मतलब व्यवस्थाएं रहेगी फिर आगे? इनकी सोच बहुत अच्छी लगी मेरे को। हाँ जो गांव में जो अभी जो सरपंच जो सोच नहीं सक रहे उनकी अगली सोच है इनके बारे में, थोड़ा तेज बोलेंगे सर। और इनका विचार है कि गांव में बहुत ही बढ़िया सुविधाएं दी जाए, बस स्टैंड को विकसित किया जाए, पार्क बनाया जाए और हाईटेक सिक्योरिटी के साथ कैमरे लगेंगे चारों मेल, और 13 वार्ड है, 13 वार्डों में युवाओं को मौका दिया जाएगा और 13 वार्डों में शिकायत पेटिका लगेगी। नहीं युवाओं का क्या मौका दिया जाएगा मतलब क्या झाड़ू वाड़ू क्या नाली सफाई, युवाओं को कौन सा मौका मिलेगा? नहीं नहीं पंचायत में आने का मौका देगा, जो हमारे यहाँ पर 13 वार्ड चुने जाते हैं। क्या व्यवस्थाएं रहेगी? इनका ये विचार है कि मेरी टीम में सभी युवा रहना चाहिए, जी 30 साल से कम की उम्र के है, उनका इनका मिशन ये है कि युवा ही इस गाँव को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि नई सोच और नई ऊर्जा के साथ गाँव का विकास हो सकता है। तो काचोला में सर आपने कितनी बार वोट दे दिया है अब तक? अब तक मैंने 4 बार वोट दे दिया है। 4 बार में से कितने सरपंच आपके जीत गया है जिन्होंने आपको वोट दिया? अभी तक तो कोई नहीं है मतलब, हाँ। अभी रामबाल जी आए हैं हमारा, तो अच्छा। पिछली बार भी उनको दिया था लेकिन हमारा कुछ नतीजा नहीं निकला। अच्छा और इस बार दिया तो विजय होके आया है जी। और भारी मतों से जीता है। अच्छा हमारा विश्वास है कि बिट्टू जी कम से कम 1500 वोट से जीतेंगे कम से कम। अच्छा ये मतलब लगते हैं आपको ये 1500 वोटों से जीत के आएंगे? हो सकती है और दृढ़ संकल्प भी है, दृढ़ संकल्प भी है कि जीतेंगे। हाँ और एक तरफा जीतेंगे और गांव को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे विचार इनके पास, इनसे पूछे और क्या क्या विचार है। जनरली की सीट है बिल्कुल, चुनाव लेने के हम। हाँ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आपका क्या सहयोग रहेगा, कितना क्या मतलब कितने वोट इधर उधर करवाओगे आप? लगभग हमारे से जितना होगा उतना करेंगे, मिनिमम 100 तो मान ही दो। अच्छा। हमारा तो कुछ यही है। हाँ। तन और मन से हम सपोर्ट करेंगे। तन और मन और धन इनका लगेगा क्योंकि धन हमारे पास पर्याप्त नहीं है, बाकी धन और मन धन धन नहीं ये धन नहीं है तो फिर आप ये रॉयल इनफील्ड जो 30 का एवरेज देती है जो वो क्यों लाए फिर आप? यार वो तो थोड़ा पीएम बनेंगे ना, प्रॉफिट हो गए आगे, प्रॉफिट आ गया था इसलिए उठा लिया। अच्छा बाकी अभी सरपंच ही बनेंगे तो इनको धन लगाना पड़ेगा, हमारा तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि धन बिना काम नहीं चलता है। बल इनके पास है, धन भी इनके पास है, मन भी इनके पास है, धन भी इनके पास है और हमको विश्वास है कि 2025 में आगामी सरपंच शुभम जी मंत्री 2025 में शुभम जी मंत्री जो की बिट्टू बोस के 2025 में बिट्टू जी मंत्री जिनको शुभम जी मंत्री के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने बताया था अभी कि चुनाव में ये चीजें करेंगे। सर हम ये चाहते हैं कि भाई जिस प्रकार से दुबई शहर है और जिस प्रकार से बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी है, जिस प्रकार से जयपुर उदयपुर बॉम्बे दिल्ली कोलकाता ये जो बड़े बड़े जो जितने भी शहर हैं उन शहरों के तर्ज पे हम चाहते हैं कि हमारा काचोला जो तहसील है वो तहसील बने और जिला बने। जिस प्रकार की सांबरा को जिला बना दिया ये लपड़ा हमें समझ में नहीं आया, अगर हम बिलाड़ा जाएँ कि सांबरा जाएँ। तो हम बहुत ही कोशिश तो ये रखेंगे कि हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारे मंडलेड तहसील को जिला भिलवाड़ा में रखा जाए, R206 में रखा जाए क्योंकि हमारे को आदत भिलवाड़ा जिले की पड़ी हुई है, अब हमारे उल्टा जाना पड़ेगा उधर कुछ भी काम होगा तो। और रही बात काचोला को जिला बनाने की तो उसके लिए क्या जनसंख्या चाहिए, इसके लिए आप जल्दी जल्दी आपके जैसे कुंवारे रहेंगे तो जिला कैसे ही बन सकता। हाँ इनका कहने का तात्पर्य ये है कि आप जल्दी जल्दी शादी करें और जनसंख्या में भारत का सहयोग करें।
सावरा जिला बनने से सबसे ज्यादा नुकसान क्या है जो मैं बताता हूँ आपको, पता होगा अभी हम जैसे भिलवाड़ा चलते हैं तो हरी भाई की कचोरी, पंडित जी के आलू बड़े और वो कालू टी स्टॉल जो बेसमेंट के नीचे है, थाना बेसमेंट के नीचे, वो अच्छी अच्छा। अब हमें तो यही पता नहीं सावरा में क्या क्या मिलता है, कहाँ मिलता है, तो अब आपकी क्या राय है इसमें, क्या होना चाहिए? देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं। देखो सावरा अगर सावरा जिला बनता और हमको उधर ले लेते हैं तो कचोला का भी विकास होगा तीर, क्योंकि जिला भिलवाड़ा जिले में कम से कम 7 विधानसभा क्षेत्र है और इतने बड़े क्षेत्र पर इतना ध्यान नहीं दे सकते प्रशासन, इसलिए जिले को अलग करके थोड़ा बहुत हमें ट्रेड बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अभी हमारा रूट भिलवाड़ा है तो हम ज़्यादातर भिलवाड़ा जाते हैं, वो भी बात सही है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई कि जब भी हम गाड़ी बाहर निकालते हैं तो मुंडा इधर भिलवाड़ा इधर इधर रहता है, अभी मुंडा उधर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा सही बात है, क्योंकि रूट नहीं है और हमारा इधर जाना भी नहीं होता, कभी गए भी नहीं, हम सावरा की कभी गए भी नहीं और वहाँ के लोगों को अपन जानते नहीं है। सबसे पहले तो वहाँ जाके जान पहचान करो, वहाँ के लोगों से मिलो, उनसे पूछो कहाँ क्या है, कहाँ क्या सेटिंग है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं होने वाली है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्व आते हैं जिनमें बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है, तो हमें यही पता नहीं कौन सी जगह कहाँ सूटेबल है। जल्दी जो हम भी यही चाहते हैं, हमारी भी सोच ये है कि भारत की जनसत्ता के अंदर जहाँ जहाँ भी ये जैसे सरपंच के चुनाव हो गए, MLA MP सांसद जितने भी निकायों के चुनाव, विधानसभा के चुनाव हो गए, नगर पालिका के चुनाव हो गए, मेयरों के चुनाव हो गए, हम ये चाहते हैं कि युवा चुन के आए, क्योंकि युवाओं में जो सोच रहती है और युवाओं में जो काम करने की क्षमता होती है वो बहुत ही तेज होती है। तो सर जैसा कि शुभम जी का ख्याल है कि वो अगली बार विधानसभा का नाम आ गया, सरपंच के चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं, तो क्या राय है आपकी, मतलब इनको खड़ा करके, जैसे इन्होंने भी बताया था घोषणा पत्र के अनुसार कि हम ये चीज़ें करेंगे, तो आपकी क्या राय है? जिस तरह घोषणा पत्र थोड़ा तेज बोलेंगे तो जिस तरह से घोषणा पत्र बता रहे हैं वो अच्छा घोषणा पत्र और अलग सोच है, युवा जैसी सोच है, मेरे हिसाब से इनको खड़ा होना चाहिए और दृढ़ संकल्प के साथ गांव के विकास के बारे में तीव्र गति से सोचना चाहिए और पंचायती चुनाव में इनको दबना नहीं चाहिए। अगर नहीं दबना किससे, मतलब दबाना की दबना दबना मतलब दबाना नहीं है, दबना मतलब प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अच्छा प्रेशर में नहीं, दबना दूसरा दबना गलत समझ रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी इनका प्रेशर बना सकते हैं। नहीं तो आपको देख के लगता है सर, कैमरा थोड़ा आपको देख के लगता है कि युवा है कि बुजुर्ग है, मतलब क्या कह सकते हैं? ये मध्यम श्रेणी और ये एक वाक्य भाई, आप पब्लिक से, मैं जनता से भी जानना चाहता हूँ, ये जो आपके सामने चश्मा लगा के बैठे दाढ़ी वाढ़ी, क्या आपको ये युवा लगते हैं? मतलब भारत का भविष्य है हम मानते हैं, जैसे कि आप इनको बता रहे हैं, और मान लो ये अगर जीत गए और मान लो नहीं जीते, अगर नहीं जीते तो क्या आपका रिएक्शन रहेगा? जीत गए तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? जीत गए तो हमको इन पर थोड़ा तेज बोलेंगे, जीत गए तो यही विश्वास रहेंगे गांव का विकास करेंगे और जैसी सोच है वही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कई बार सरपंच बनने के बाद थोड़ा माइंड में ऐसा आ जाता है कि वाह होएगा आपने ही काम है। नहीं क्या माइंड में क्या आ जाता है ऐसे भी किया है कि काम करा क्या जाता है, खुद के लिए पति का अहम आ जाता है कई बार, मतलब अहंकार आ जाता है इनका कहने का, तो वो नहीं रखना चाहिए और गांव जो अभी सोच रहे वैसा सरपंच बनने के बाद भी सोचना चाहिए, और इसके अलावा हार जाते हैं तो अभी से एक बुलेट चालू करते कि अभी आप बता रहे सरपंच के चुनाव, मुझे एक भी समझ में नहीं आई, अभी तो तुम्हारे जो प्रत्याशी आप बता रहे हो जीते नहीं, उससे पहले आप एक दो बुलेट ले आए, आईफोन ले आए, दो पांच जोड़ी कपड़ों की जाए, मतलब ये कहाँ से शीर कहाँ से आ रही है, थोड़ा हमें बताएंगे आप? शीर इनसे भी आ रही है और बालाजी महाराज का आशीर्वाद है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाता है इसलिए। नहीं ये किधर से होता है प्रॉफिट, मुझे समझ ये कुछ अंदरूनी छोटे है, अंदरूनी छोटे हमें ये आपको नहीं बता सकते, ये अंदर को जनता जानना चाहती है, और आप देश का भविष्य है तो जनता के सामने कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, आपके प्रत्याशी और आपके ऊपर है तो हम जानना चाहते हैं, मतलब अंदरूनी छोटे कहाँ से आते हैं? जैसे कभी अंदरूनी छोटे आ सकते हैं, कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है, तो छोटे तो हम मोटा मोटी शेयर मार्केट, तो ये शेयर मार्केट है ये क्या वो सैंक्शन NCO निफ्टी जो भी होता है उसको ऊंचा नीचा करके भी इन्होंने 2-5 लाख रुपए जो भी कमाए थे उनसे एक तो बढ़िया बुलेट ले ली, पर समस्या इनके साथ ये हो रही है, हम इसलिए जनता को बताना चाहते हैं कि आपकी सब चीजें इनको पता चले कि भाई गाड़ी इन्होंने ले ली पर गाड़ी दे रही 30 का एवरेज, तो गाइस बहुत अच्छी बात और हम भी बड़े खुश हैं कि युवाओं को मौका मिले, और देखते हैं ये तो समय बताएगा, समय बड़ा बलवान होता है, और शिव जी हम दुआ करते हैं ईश्वर से, भगवान से, बालाजी महाराज से कि आपकी और मनोकामना पूरी करें, और वो जो आपकी अंदरूनी चोटें हैं वो चोटें और तेज तेज लगे, आप थार लाएं, मर्सिडीज लाएं, BMW लाएं, बस हमारा ध्यान रखें, हमें भी कभी कभी बिठा लिया करें बस यही, और आप थोड़ा कैमरा उधर, और आपका बहुत बहुत आभार, वोट फॉर बिट्टू जी मंदिर, और आपका बहुत बहुत आभार, आप पधारे हैं हमारे इसमें और आपका बहुत बहुत आभार, तो धन्यवाद गाइस, ये आप नहीं हमें इधर इधर प्रणाम इधर करना पड़ेगा, और बहुत बहुत खुश रहिए आप,
और अन्य साधुवाद आप सभी को साधुवाद। घमासान चला था अंकित जी और आपको थोड़ा कैमरा पकड़ा रखा था हमने, तो आप बताइए आप मतलब क्या होगा फिर, क्या रहेगा भारत का भविष्य, सॉरी काचोला का भविष्य? काचोला का भविष्य थोड़ा आप तेज बोलेंगे। काचोला का भविष्य यही रहेगा कि हम तो वोट दे देंगे बिट्टू जी को, अब जीतना नहीं जीतना उनके ऊपर है, क्या होता है देखते हैं आगे। चलो ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और जो जो भी डिबेट में पधारे उन सभी का बहुत बहुत, और बहुत बहुत सर स्वागत एंड वेलकम, और बहुत बहुत आभार आपका भी, बहुत बहुत आभार।